गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सियासी दंगल में गिने चुने चेहरे ही जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। इसी दंगल की तैयारी में जनसेवक क्रांति पार्टी भी अमिट छाप छोड़ रही है और आम जन का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को मेवात क्षेत्र के बीवा गांव में जनसभा के दौरान गांव के सरदारी ने जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अंकित अलग के नेतृत्व में लोकसभा उम्मीदवार विजय यादव और कार्यकर्ताओं की पूरी टीम का शानदार स्वागत किया और खुले मन से मंच के माध्यम से समर्थन देते हुए न सिर्फ वोट डालने का आश्वासन दिया बल्कि क्षेत्र में बदलाव के लिए हर प्रकार के सहयोग देने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अंकित अलग ने कहा कि आज तक सभी पार्टियां यहां की जनता की वोट लेकर इस क्षेत्र के लोगों के साथ विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार करती आई हैं, लेकिन अब एक विकल्प के रूप में जनसेवक क्रांति पार्टी मेवात के विकास के रथ को पहिए लगाने का काम करेगी। वहीं विजय यादव ने कहा कि अगर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर मेवात के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा। अंकित अलग है गाँव से जनसेवक क्रांति पार्टी का संस्थापक आज के बाद बाकी सारी लोग हमारे भाई हैं जिनसे बनिया हुआ विवान गाँव में खासकर और इस समय देश में राजतंत्र का वजन ज़्यादा है लोकतंत्र और पिछले 10 वर्षों से जो भाइयों को बांटा हुआ क्योंकि हम सब एक जैसे इंसान हैं, हम लोगों को धर्म मजहब और पंथ के नाम पे जो काटने का बांटने का छाटने का काम सरकारें कर रही है, अब समय आ गया ये सब चीज़ें हटाने का खत्म करने का क्योंकि ऊपर वाले ने एक जैसे बना के भेजा था। हम सब एक समान हैं तो हमारे क्षेत्रों का भी विकास एक समान होना चाहिए, हमारा मेवात का विकास भी गुड़गांव के करीब होना चाहिए, हमारे मेवात में भी शांति होनी चाहिए, हमारे मेवात में भाईचारा होना चाहिए। तो हमारा पहला और लोकसभा उम्मीदवार है और इस बार हम बड़ी टक्कर दे रहे हैं यहाँ के स्थानीय सांसद को जो कभी नहीं आते और उनको फर्क भी नहीं पड़ता मेवात के लोगों से, वो मेवात के लोगों से सीधा कहते हैं कि आप मुझे वोट दो या ना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जीता भी रहूँ। ये इनकार तोड़ने का समय आ गया है, ये इनकार है, इन्हीं के इनकार की वजह से किसी भी जगह का विकास नहीं हुआ पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हालांकि यहाँ बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ बड़े बड़े राजनीतिक घराने से अब तक कुछ बम्बई से कलाकारों को भी ला के यहाँ छोड़ा गया है, पर हमें भरोसा है हम उनको मजबूती से कड़ी टक्कर देंगे और वर्तमान के साथ साथ इस गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम। मेवात के लोगों से इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से आपके साथ भेदभाव नफरत की गई है, हम उस भाईचारे को शांति को कायम करेंगे, मेवात के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे और मेवात का विकास भी गुड़गांव की तर्ज में किया जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मेवात में सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों का नौजवान साथियों से माता और बहनों से कि आने वाली 25 तारीख को आप गैस के सिलेंडर के चुनाव चिन्ह हमारा उस पर EVM का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का काम करें। वैसे हमें भरोसा है मेवात हमेशा ही 90% से ज़्यादा वोट करता रहा है, पर अब आज जो माहौल देखा आज जो भीड़ देखा है उससे मुझे भरोसा हो गया 100% वोटिंग हमारे पक्ष में मेवात में 25 तारीख को गैस के सिलेंडर पर होने जा रही है। मेरा नाम मोहम्मद जाहिर है जो है पार्टी को जो सहयोग मिल रहा है प्यार मिल रहा है वो तो आप सबके सामने भी है, इतना इतने सारे युवा जो हैं और बुजुर्ग जो हैं भाई अंकित अलग जी के लिए और भाई विजय यादव जी के लिए और जनसेवक क्रांति पार्टी के जो है प्यार और मोहब्बत के लिए और उनको अपना पूरा तन मन धन से जो है समर्थन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि जाहिर है कि जो है मेवात ने बहुत सारे पार्टियों को देखा, बहुत सारे जो है नेताओं को देखा, अब मेवात और ख़ासतौर से जो है फिरोजपुर छिरका के निवासियों ने जो है ये तय कर लिया है कि अब की बार मेवात बदलाव की